गुजरात आड़ के एक शराब का स्वरूप पहला कहीं प्रधानमंत्री का प्रमुख तत्व में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि जो अयोध्या वासी हैं और जो बाहर से भी अयोध्या में इस वक्त वास कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जो दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है उस पर स्पष्ट तौर पर इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए कई सारे लोग तो काफिले के साथ दौड़ लगाते हुए एक सेल्फी हो जाए प्रधानमंत्री के, एक तस्वीर उन्हें मिल जाए अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। कोई फूल फेंक रहा है, कोई मालाओं के साथ स्वागत कर रहा है, कुछ विप्रबंध जो बटुक है वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। आम जनमानस रंग बिरंगी कपड़ों परिधानों में उनका स्वागत कर रही हैं और नृत्य वादन के जरिए भी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए आज अयोध्या की जनता वाकई आज के दृश्य की शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष कि सभी लोगों को ये तो पता था कि चलिए 22 जनवरी की एक तिथि आ गई है, उस वक्त भव्य राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, उसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। लेकिन आज तो मुझे लगता है नए साल का बोनस है अयोध्या के लिए अगर कहा जाए, क्योंकि इसकी कल्पना लोगों को नहीं थी कि आज के दिन, आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में बिताएंगे और वहां पर इतनी बड़ी विकास की परियोजनाओं को देश के सामने रखेंगे और अयोध्या धाम को पहली बार देश के साथ नहीं बल्कि दुनिया के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, उसकी शुरुआत है। क्योंकि ये तो अभी पहला चरण है, चाहे भगवान राम का भव्य मंदिर हो उसका पहला चरण, अयोध्या का विकास हो उसका पहला चरण, स्टेशन का विकास हो उसका पहला चरण, अयोध्या के जो नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का विकास हो, प्रथम चरण के आज समर्पण का दिन है। बहुत ही अद्भुत दिन है, बहुत ही अनोखा दिन, बहुत ही खास दिन अयोध्या के लिए, अयोध्या के विकास की नई यात्रा के लिए, क्योंकि इस यात्रा में छिपी है उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास की यात्रा, जो कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश होने की वजह से पूरे देश की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि एक राम मंदिर बनने से क्या होगा, लेकिन आप देखिए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। 252 से ज्यादा परियोजनाएं इस वक्त अयोध्या में जमीन पर चल रही हैं। एक नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। एशिया में कई सारी टेक्निक पहली बार अयोध्या में इस नए शहर के नए नगर के विकास के लिए किया जा रहा है। नए नगर के विकास के लिए पुराने जो परंपराएं थी थोड़ा सा उससे हटते हुए जो आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है वो भविष्य के लिए अयोध्या को तैयार करता है, नए भारत की नई तस्वीर के लिए अयोध्या को तैयार करता है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पहले गली हुआ करती थी। यकीन मानिए एक गाड़ी अगर उसके साथ दूसरी गाड़ी आ जाए तो बहुत ही मशक्कत के साथ एडजस्टमेंट करते हुए दोनों गाड़ियों को आपस में निकलना पड़ता था, इतनी कम जगह थी। आशुतोष आप शायद उस दृश्य के आप गवा रहे हैं। अब ये जो पूरा चौड़ीकरण किया गया है 13 करोड़ का आंकड़ा तो हमने देखा काशी कॉरिडोर से, कितने करोड़ उम्मीद है अयोध्या को अगले 1 साल 2 साल में अगर आपसे समझना चाहें तो? चलिए आशुतोष से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी 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 अजय, तो सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो भौतिक वातावरण है वो चौदह भक्तों को प्रवास प्रदान करता है, लेकिन आकर्षण जो है निश्चित ही होती है, उस जगह की होती है, उस देवता की है जो सबको आकर्षित करता है, जो अपने पथ पर अपने मार्ग पर चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और यही कारण है कि अब कोई बजट कोई संख्या अयोध्या के लिए न सरकार निर्धारित कर रही है न लोग चाहते हैं कि निर्धारित हो। लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसी अयोध्या बने जो अविस्मरणीय हो, एक ऐसी अयोध्या बने जो शांति का प्रतीक हो, एक ऐसी अयोध्या बने जो निःशस्त्रीकरण को जो है जोड़ दे, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया को संदेश दे, शांति का संदेश, सद्भाव का संदेश दे। और उस संदेश को जहाँ पर कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, यानी कि मनुष्य ही नहीं जितने जीव है वे भी सद्भाव के साथ जीवन जिए और आगे बढ़े, इस बात की जहाँ पे प्रेरणा मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी अयोध्या में है, अयोध्या के पथ पर है और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था आपको याद होगा काशी कॉरिडोर, जिसकी जब शुरुआत की गई तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि एक कॉरिडोर बनने से क्या होगा। आंकड़ा आपके सामने है, 13 करोड़ लोग आ चुके हैं,
रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, वहां पर होटल्स ठहरने की जगह नहीं मिल रही है, अयोध्या का भी वही हाल होने वाला मुझे लगता है एक साल बाद। आशुतोष, अयोध्या का हाल तो वर्तमान समय से ही है और अयोध्या का जितना बड़ा मूवमेंट चला है, आंदोलन चला है, उसके कारण इससे कहीं ना कहीं सीढ़ियां डूब गई और उन सीढ़ियों में जो भी लोग हैं वो इस निर्माणाधीन राम मंदिर का भी दर्शन करना चाहते हैं। तो मैं ये कह सकूं कि मेरे पिताजी ने आंदोलन में भाग लिया था और आज मेरे सामने या मेरे पिता के सामने मंदिर इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से अयोध्या में जो अयोध्या वासी रहती भक्तों की संख्या कम रहती थी, करोड़ों जो लोग हैं हिंदुस्तान के जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी तीर्थस्थली है और यहाँ पर दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनका भी सालों भर आगमन होता रहता है। तो सिर्फ सिर्फ अयोध्या जो है कोई बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपने रंगनाथ रंगनाथ की याद दिला दी हमें राजेश राजी, और सही कहा आपने कि बैंगलोर से भी तो जुड़ रहे हैं हम लोग नई ट्रेन के जरिए, बहुत जल्दी विश्वेश्वरैया टर्मिनल से अयोध्या को जोड़ते हुए नई ट्रेन वहां से भी चलने वाली है। बिल्कुल, आज जो दो अमृत भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है अजय, उसमें अयोध्या से एक दरभंगा और दूसरी जो ट्रेन है वो मालदा टाउन और बेंगलोर के बीच जो है वो अमृत भारत का परिचालन हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर दिया गया, रात जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मैंने इंटरव्यू किया था तो अश्विनी वैष्णव ने यही कहा कि आज इसकी कैपेसिटी 20,000 है लेकिन आने वाले दिनों में 1,00,000 लोगों के आवाजाही की कैपेसिटी बनाने की क्षमता हम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रखेंगे। और स्टेशन के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर के जब हमने देखा तो एक रूफ जो है वो तैयार किया गया है जिस पर भी मुसाफिर आकर के बैठने का काम करेंगे, रूफ लॉन्ज उसको कहा जाएगा, और वो एक बेहद खूबसूरत नजारा प्रस्तुत कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर अयोध्या जो लोग आएंगे तीर्थाटन करने के लिए और उनकी हसरत होगी कि माता जानकी की भूमि सीतामढ़ी हम जाएं और सीतामढ़ी से फिर जो रामचंद्र जी का जो ससुराल है जनकपुर वहां तक की यात्रा करें, तो कहीं ना कहीं राजा दशरथ और राजा जनक की जो दोनों नगरी है वो नगरी दोनों अपने को एक दूसरे को एसोसिएट करेंगे, संबद्ध करेंगे। स्पष्ट तौर पर ये जो रामपथ से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और अयोध्या के जो वासी हैं वहां पर उनका स्वागत करते हुए और सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ये कोशिश करते हैं कि कोई छूट न जाए, जहां तक हो सके वो जनता के साथ संवाद करने का, अपने हाथों के अभिवादन के माध्यम से, अपने आँखों के माध्यम से लगातार सबसे बातचीत करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रणाम स्वीकार करते हुए, स्वयं अभिवादन करते हुए, सभी के स्वागत का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं ये रामपथ की तस्वीरें, जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे कि सीधे जो आउटर बाईपास रोड है वहाँ से आप धर्म पथ पर प्रवेश करेंगे, जहाँ पर शुरुआत की प्रधानमंत्री ने और भव्य स्तंभों के जरिए स्वागत किया गया उनका और सैकड़ों हजारों की संख्या में जनता ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद काफिला पहुंचा लता मंगेशकर चौक और वहां से फिर बाएं होते हुए रामपथ। ये रामपथ सीधे आपको लता मंगेशकर चौक से नई अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ेगी। और ये जो विकास की यात्रा है नई दिल्ली लखनऊ एक साथ जब मिलकर के काम करते हैं तो किस तरह की परियोजनाएं ज़मीन पर आती हैं उसकी एक वानगी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप उत्साह देखिए अयोध्या वासियों का, अयोध्या वासी जो बार बार मैं कह रहा हूं कि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि यहां के वासी श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वहां पर चलना ही प्रदक्षिणा है। अयोध्या में अगर आप नींद भी लेते हैं तो उसको समाधि कहा जाता है, वहां पर अगर आप भोजन करते हैं तो उसको प्रसाद कहा जाता है। स्पष्ट तौर पर आज बाबा नागेश्वरनाथ जो कि वहाँ के महादेव हैं बहुत ही प्रसन्न होंगे। लता मंगेशकर चौक पर जो राम की पैड़ी है वहाँ पर जिनका दिव्य भव्य मंदिर है वहाँ पर भी सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज लोगों का जमावड़ा होता है और भगवान महादेव आज बहुत ही प्रसन्न होंगे आज इस विकास यात्रा को देख करके, अयोध्या वासियों के मन में जो उत्साह है उसको देख करके और जो विकास की नई धारा बही है और जो सौगातें अयोध्या को मिलने वाली हैं आने वाले दिनों में उसको देख करके
अयोध्या के जितने भी लोग हैं स्वयं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस वक्त अपने अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आप ये समझिए कि हर रोज 1 से 1.5 लाख लोग अयोध्या की धरती पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्वागत करना, लोगों की रहने की व्यवस्था करना, लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, ठहरने की, रहने की, भोजन की, प्रसाद की, जो 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 स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाने हैं उसकी, उन सब की व्यवस्था करना यहाँ के अयोध्या नगर निगम के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा होगा। लेकिन इसको नई अयोध्या के निर्माण में इन सभी कारकों का ख्याल रखा जा रहा है। स्पष्ट तौर पर जो नई अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है उसमें डेडिकेटेड जो सीवर लाइन है उसके साथ साथ जो ग्रीन टर्मिनल्स या ग्रीन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम से कम पॉल्यूशन के साथ में, कम से कम प्रदूषण के साथ में जो निर्माण कार्य हैं उसको अंजाम दिया जाए। बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हो या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग हो, उसको कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, नई हरित टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम से कम प्रदूषण के साथ बनाया जाए, कम से कम समय में बनाया जाए, ये एक इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की गई। और लगातार फिर से हम वही आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कि कैसे भारत विरासत को और विकास को एक साथ लेकर के चलने का भरसक प्रयास कर रहा है। और ये अयोध्या की धरती से अब जो नई विकास की यात्रा निकली है वो देश को विकसित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब जनता, खास तौर पर युवाओं का जो आकर्षण है इन नई आधारभूत संरचनाओं के जरिए, जो पूरी दुनिया को आकृष्ट करने का, भगवान राम के धाम में आकृष्ट करने का जो प्रयास, उसकी शुरुआत हुई है, वो एक अनोखी पहल कही जा सकती है अयोध्या के विकास के लिए। आशुतोष शुक्ल, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल अजय, अजय मैं सुन रहा हूँ। तो इस विकास यात्रा को अब आपके जरिए हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो यात्रा है, विकास की यात्रा, अब यहाँ से आगे और कौन से पड़ाव तय करने जा रही है? बिल्कुल अजय, जिस तरीके से विकास की यात्रा है, इसका पड़ाव जो है वो इसका आखिरी कोई छोर नहीं होता है। विकास की यात्रा में अगर आप केवल मूलभूत सुविधाओं या संरचनाओं के विकास को विकास मानते हैं तो वह संपूर्ण विकास नहीं है। विकास में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, मानवता का विकास, समाज का विकास, निर्माण, ये सारी चीजें भी जुड़ती है। और यही सारा है, जब सत्ता का निर्माण होता है, किसी देश का निर्माण होता है, तो उसके पीछे एक वैचारिक अवधारणा होती है और उसी वैचारिक अवधारणा को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं अयोध्या में जो विकास का कार्य चल रहा है या फिर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है या जो यहाँ की धार्मिक आस्था लोगों में है उसके अनुरूप जो है यहाँ पर लोगों को आर्थिक विकास और धार्मिक रूप से सजगता जो है, धर्म पथ पर चलने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के साथ जो है आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं भागीदारी हो, निश्चित तौर से अजय अगर देखें तो यही कहा जा सकता है कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कोसलपुर राजा। आज वो क्षण है जब अयोध्या का जो वैधव्य था, अयोध्या का जो वैराग्य था, उसका श्रृंगार पूरी दुनिया देख रही। किस तरीके से अयोध्या में ही भगवान श्री राम का वनवास था वो समाप्त होने के कगार पर है। जब वो भव्य दिव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम लला के बाल रूप की, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुंचना ये बताता है कि किस तरीके से सदियों की जो जनाकांक्षा है वो आकार लेते हुए अयोध्या के भव्य दिव्य नव्य स्वरूप को देख रही है। राम पथ आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, राम